दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नई शानदार स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, जो हर साल कंडक्ट कराई जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें आपको कॉलेज लेवल तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और एक शानदार योजना है। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्रतियोगिता कैसे कंडक्ट कराई जाती है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होती है, इसमें कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, उसके बारे में सारा डेटा बता रहा हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है। NTSC चरण एक 13 दिसंबर 2020 को सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जबकि चरण दूसरा 13 जून 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित किया जाएगा। NTSC परीक्षा का पाठ्यक्रम मोटे तौर पर 9वीं और 10वीं पर आधारित है। ये जो सिलेबस रहेगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का, ये 9th और 10th के सिलेबस पर डिपेंड है। और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या टॉपिक बता रहा हूँ कि इसके स्टेज फर्स्ट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, स्टेज टू के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आपका चयन किस प्रकार होगा, NTSC छात्रवृत्ति प्रतिभा खोज परीक्षा इसमें आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, परीक्षा आरक्षण इसमें कौन सी कैटेगरी को कितना आरक्षण है उसके बारे में सारा बता रहा हूँ, और आपको इसके लिए क्या क्या वो सुझाव दिए जाएंगे कि भाई आप कैसे तैयारी करें उसके बारे में। NTSC परीक्षा क्या है, पहला पॉइंट यही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे NTSC के नाम से जाना जाता है, का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जो बुक्स होती हैं NCERT के सेंट्रल लेवल की, द्वारा उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन धाराओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जो 12th के बाद भी रेगुलर हाई डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए। NTSC योजना का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन स्ट्रीम में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्राओं को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति के साथ पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आपको बेहतरीन पुरस्कार दिए जाते हैं अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। NTSC हर साल 2 स्तर पर आयोजित किया जाता है, स्टेज फर्स्ट राज्य स्तर पर, ये राज्य लेवल पर राजस्थान का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग, हर राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग लिया जाता है, और स्टेज टू में यह NCERT के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब जो जो राज्य स्तर पर सेलेक्ट होते हैं उनका स्टेज टू में सेलेक्ट होते हैं और वहाँ पे उनका एग्ज़ाम लिया जाता है NCERT लेवल पर जो राज्य स्तर पर होता है। 2-स्तरीय परीक्षा का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना जिनके पास विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए विशेष योग्यता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज वन के लिए पात्रता मानदंड कि इस प्रति, मतलब जो स्टेज फर्स्ट है जो राज्य लेवल पे होता है उसके लिए आप में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। NTSC स्टेज फर्स्ट का संचालन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, इस पर केवल भारतीय छात्र ही उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि आपके भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा में बैठने के पात्र, आप ये जरूरी है कि आप 10वीं क्लास में ही अध्ययनरत है तो वो आप इसमें भर सकते हैं। 3रा पॉइंट है कि 9th क्लास में आपके 60% से प्लस अंक होने चाहिए, कम से कम 60% या उससे अधिक हो तो वो ही इसके लिए एलिजिबल है। छात्र को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना चाहिए, आप राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में आप अध्ययनरत होने चाहिए, और वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो सकता है लेकिन मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। SC ST और PH श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलती है, अर्थात अगर आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% की जगह अगर आपके 55% या 55% से ज़्यादा है तो भी आप इस फार्म में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL के तहत पंजीकरण छात्र की भी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए योग्य है। अगर आप कहीं से ओपन कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब 10th की परीक्षा ओपन दे रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, रेगुलर नहीं है और ओपन पढ़ रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आपकी डेट, मतलब 18 साल की आयु से कम होना चाहिए आपकी, 1 जुलाई 2020 से पहले आप 18 के से कम होने के चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज टू के लिए पात्रता, जो स्टेज टू होता है जो राष्ट्रीय लेवल पे होता है उसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। राज्य स्तर की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, जो स्टेज वन जो राज्य स्तर पर कंडक्ट कराई जाएगी उसमें 80% से प्लस होने चाहिए आपके अंक। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा आयोजित की जाने वाले के लिए पात्र है, तो हाँ 80% अंक होंगे तो आप उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए एलिजिबल है। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर NTSC के लिए लगभग 4000 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पूरे देश में, भारत में सिर्फ 4000
छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनकी मेरिट हाई होगी, जिनके परसेंटेज स्टेज फर्स्ट में हाई रहेंगे। वे सभी छात्र को स्टेज टू में न्यूनतम आवश्यकता अंकों को सुरक्षित करते हैं न्यूनतम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए पात्र है, जो उसकी वो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें अगर आप के न्यूनतम अंक जितने मेरिट है उससे प्लस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा चयन प्रक्रिया, इसमें चयन कैसे क्या होता है और क्या क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। स्टेज पच के लिए छात्रवृत्ति, यह छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए दो चरण चयन प्रक्रिया है। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। वे छात्र जो एक स्टेज फर्स्ट के लिए योग्य है NCERT द्वारा आयोजित स्टेज टू में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। जिन्होंने स्टेज टू क्लियर कर लिया है अपने राज्य से वो स्टेज टू में फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। चरण सेकंड के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्र नामांकन के आधार पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोटा है। हर राज्य का अपना एक अलग कोटा है कि जैसे राजस्थान से इतने लेने हैं, उत्तर प्रदेश से इतने लेने हैं, तो वो फिक्स्ड है। और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हर अंक प्रत्येक पेपर में 40% और SC ST के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक अंक में 32% कम से कम, ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि आपके 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके 40 नंबर से प्लस हो, और SC ST से कर रहे हैं तो आपके 32 नंबर से प्लस हो, ये कंपलसरी है। NTSC छात्रवृत्ति राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, हर साल 1000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसमें से 750 आरक्षित है जो छात्र स्टेज टू में उत्तीर्ण होते हैं। जो भी स्टेज टू से क्लियर करते हैं उन्हें हर साल 1000 रुपये बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें से 750 तो जनरल OBC SC ST वो सारे हो सकते हैं, जबकि 250 को आरक्षित किया गया है उनमें SC ST के फिक्स्ड है वह इतने लिए जाएंगे। वर्तमान योजना के तहत छात्रवृत्ति डॉक्टरल स्तर पर तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम स्तरित द्वितीय डिग्री स्तर पर तक इंजीनियरिंग चिकित्सा और लॉ के प्रोफेशनल कोर्स के लिए उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है। इसके लिए यह है कि आप PhD करते हैं तब तक आपको, अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तब तक आपको PhD तक यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन छात्रवृत्ति की राशि, आप उसमें कितनी राशि मिलने वाली उसके बारे में पूरा डिटेल है कि अगर आप कक्षा 10th को में इस परीक्षा को पास करते हैं तो 11th और 12th में आपको 250 रुपये प्रति माह, मतलब एक महीने में 250 रुपये दिए जाएंगे, तो 6000 रुपये आपको एक साल के अंदर दिए जाएंगे। और जब आप 12th कर लेते हैं और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये प्रति माह, यानी कि एक साल में 12000 रुपये आपको दिए जाएंगे। PhD के लिए छात्रवृत्ति UGS नॉर्म्स के अनुसार प्रदान किया जाएगा। PhD के लिए आप किस कोर्स से कर रहे हैं उस पर डिपेंड किया जाएगा। राष्ट्रीय खोज प्रतिभा खोज परीक्षा आरक्षण, SC वर्ग के संबंधित छात्रों के लिए 15% छात्रवृत्ति आरक्षित है। ये परीक्षा की आपको अगर 100 बंदों को आरक्षित मतलब स्कॉलरशिप दी जा रही है तो उनमें 15% SC वर्ग के छात्रों को ही लिया जाएगा। इसमें भी आरक्षण है। ST वर्ग के संबंधित छात्रों के लिए 7.5%, यानी कि अगर 1000 जनों ने फार्म भरा है तो उसमें से 75 जनों को ST से बिलोंग है उनको लिया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 4% विकलांगों को लिया जाएगा। NTSE राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा पास करने के लिए सुझाव कि आप उसको कैसे कैसे पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए सारे उपाय बताए गए कि आपको किस तरह पढ़ाई करनी है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करने के लिए हर परीक्षा को अपनी रणनीति होती है, इसलिए यह सभी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक छात्र को इस रणनीति के तहत होना चाहिए और उसके अनुसार प्रदर्शन करना चाहिए। नीचे दिए गए बिंदु छात्रों को NCERT की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मदद करेंगे। पहला पॉइंट है NTSC सिलेबस के साथ अपनी 10वीं कक्षा की तैयारी करें। हाँ, ये कंपलसरी है कि आप अगर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपना 10th का सिलेबस को पीछे छोड़ रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको उनको भी साथ के में लेकर तैयारी करनी है क्योंकि उससे भी बिलोंगेड क्वेश्चन आती है इसके अंदर। NTSC के लिए तैयारी मोड में आने से पहले आपके पास NTSC पाठ्यक्रम के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और आपको इसे अपनी 10th की पढ़ाई के साथ सिंक करना है, मतलब साथ साथ आपको दोनों को पढ़ना है, NTSC की और साथ 10th की भी स्टार्ट चलती रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके NCTSC तैयारी परीक्षा के अनुसार चलती है और आपको NTSC की तैयारी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10th के लेवल की स्टडी आपकी बेसिक मजबूत है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं आसानी से, आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें, आप में कौन से मतलब साइंस में अगर कमज़ोर है तो साइंस फील्ड में थोड़ा ध्यान दे, सामाजिक में कमज़ोर है तो उसमें थोड़ा ध्यान दे और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करें। इससे उम्मीदवारों के तय
करने में मदद मिलेगी कि NTSC की तैयारी के सीमित समय। आपको ये भी है कि उसमें से टाइम फिक्स्ड रहेगा कि भाई हाँ कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आप अगर एक ही क्वेश्चन में माथा पचाई करते हैं तो वो टाइम निकल जाता है, इसलिए आपको टाइम का मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण, जब आप NTSC की तैयारी जैसी परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो बेहतर है कि स्पष्ट अवधारणाएं बनाएं। इसके लिए आपकी पहले से रणनीति और टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि वहाँ आपको किस सब्जेक्ट को इतना टाइम और कितना देना है उसके बारे में। नियमित अभ्यास और रिवीजन, आपको इसको रेगुलर स्टडी में रखना है और बीच बीच में छोड़ना नहीं है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, जो NTSC के पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं उनको आपको सॉल्व करके जाना है, उसको आपको दिमाग में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरह से किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में सारा जाएगा। और यही जो बेसिक हर एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि आपको उसके एक दिन पहले अच्छी नींद लेनी है ताकि दूसरे दिन हॉल में आपका दिमाग तंदुरुस्त रहे। खोज परीक्षा के निर्देश, कि आपकी परीक्षा वहाँ कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या निर्देश है, कैसे कितने टाइम का होगा वो बताने गया है। परीक्षा में परीक्षण शुरू होने से 45 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुँचना है। जहाँ भी आपका सेंटर आता है वहाँ 45 मिनट पहले आपको एंट्री होनी है। निर्धारित परीक्षण समय के बाद 15 मिनट से अधिक तक पहुँचने वाले उम्मीदवार को परीक्षा देने से अनुमति नहीं दी जाएगी। आप निश्चित समय दिया जाएगा, जैसे 10 बजे पेपर स्टार्ट होना था आपको 9:30 बजे बुला लिया जाएगा, और 9:15 के बाद जब 9:45 के बाद आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, बॉल पेन ले जाना आवश्यक है, यह कंपलसरी रहता है। और आपको कोई कैलकुलेटर या डिजिटल घड़ी वो नहीं रहनी है आपके पास। और हाँ, ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो भी फार्म भरते हैं उसमें हर में लगभग एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये है ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए, आपको नहीं आए तो भी लगा कर आए कि आपका किस्मत से आपका सही हो। NTSC राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे NTSC के नाम से जाना जाता है, आयोजन राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परीक्षा के परिषद NCERT द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर, मतलब जो टॉपिस्ट स्टूडेंट है भारत के उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनको उस हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सके। और इसका परिणाम जनवरी से मार्च 2021 के बीच में घोषित किया जाएगा, और आपको फिर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, इतनी जानकारी है, और बाकी कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पर डेवलप करा दूंगा, तो जुड़े रहिए। और क्या इसके फार्म कब स्टार्ट होंगे, कब फार्म भरे जाएंगे, इसके लिए मैं नोटिफिकेशन में जल्दी आपको दे दूंगा, शायद स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद मेरे, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।